बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 24.1 स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बेसिकली ये आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड टॉपिक है, चैप्टर है, मतलब दो एक्सरसाइजेस हैं इसमें, और इसको इंशाल्लाह टू पार्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज हमारा एक्सरसाइज 24.1 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसा कि आप सबको पता है रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, इसके लिए इंट्रोडक्शन लेक्चर मैंने 18 चैप्टर में बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर किया, ज़रूर जाकर देखें। किसी भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो कंपैरिजन होता है, जो मवाजना होता है, जो डिफरेंस होता है, वो रेशियो कहलाता है। और दो रेशियोज़ के बिटवीन जो कंपैरिजन होता है, या रेशियोज़ के बिटवीन जो कंपैरिजन होता है, वो आपके पास प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है जी, अब आपके पास इसी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ये एक ट्राइंगल गिवन है, और इस एक ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल गिवन है, बड़ा ट्राइंगल ए बी सी है। इसके अंदर जो ट्राइंगल गिवन है वो डी ई सी है। इसमें कुछ साइड्स गिवन है। अब सवाल की तरफ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक ट्राइंगल गिवन है जो कि पूरा ट्राइंगल की बात कर रहा है, ए बी सी। ठीक है जी, इसमें इन्होंने हमें बताया कि जो डी ई है ये पैरेलल है ए बी के। ये हमारे पास डी ई लाइन जो है ये पैरेलल है इस ए बी लाइन के। कैसे? देखो पैरेलल लाइन क्या होती है, मैं तो ये बताना चाहिए। ये दो लाइन्स ऐसी जो किसी भी पॉइंट पर जाकर मीट ना करें, ऐसी लाइन पैरेलल लाइन्स होती हैं। देखो अगर मैं कहूँ कि ये दो लाइन पैरेलल हैं तो आप कहोगे नहीं मिस, क्योंकि इनका एंड पॉइंट जाकर किसी ना किसी जगह पर ही आपस में एक दूसरे को मीट करेंगी, तो ये लाइन पैरेलल नहीं। पैरेलल वो लाइन्स हैं जो किसी भी पॉइंट पर जाकर एक दूसरे को से मिलती नहीं है। ठीक है, ऐसी लाइन पैरेलल होती हैं। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये डी ई और ए बी लाइन जो है दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का सिंबल ये होता है। इसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर किया था थ्योरम्स का, कि इसके सिंबल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रेंट किसे कहते हैं। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, रे क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, उसका लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उसको जाके आपने ज़रूर वॉच करना है। अगर आप 9th क्लास में जिन बच्चों ने मेरे 19 चैप्टर को वॉच किया था, 19 चैप्टर का जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को, उसमें मैंने स्टार्टिंग में जो है इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक है जी बच्चे, आगे कहता है फाइंड सी ई, इतना पार्ट जो है हमें फाइंड करना है। ठीक है जी, अब बता दिया गया। अब बी डी भी देख कहता है, डायग्राम भी गिवन है और हमारे पास क्वेश्चन भी गिवन है, जो इतनी चीज़ जो है बी डी लाइन जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और ए ई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और डी सी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, सिर्फ हमने क्या किया इसको एक प्रेजेंटेशन के तौर पर गिवन, जो जो चीज़ें गिवन थी सोल्यूशन की हेडिंग डाल के सेम मैसेजेस लिख दिया कि जो बी डी है वो 6 सेंटीमीटर है, जो डी सी है वो 12 सेंटीमीटर है, जो ए ई है वो 5 है। रिक्वायर्ड क्या है, पूछता क्या है कि ई सी बता दें कितना है। हमें पता है, एक चीज़ हमें यहाँ पे मालूम है कि हमारे पास जो हमारा ये डी ई है ये पैरेलल है ए बी के। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे पास जो डी ई है ये कट कर रही है टू साइड्स ए सी एंड बी सी को प्रोपोर्शनली। ठीक है जी, अब प्रोपोर्शन, अब यहाँ का इतनी चीज़ जो है इसके रेशो के इक्वल आएगी। ये भी आपको पता है कि एक साइड का रेशो जो है वो दूसरी साइड के रेशो के इक्वल आएगा। ऐसा नहीं है कि इसका रेशो इसके इक्वल आएगा, इन इस वाली का साइड, ये जैसे कि बी डी है और ये डी सी, अगर हम इसका रेशो लें इस ए ई और ई सी के रेशो के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि हमने बताया कि हमारे पास जो डी ई है ये कट कर रही है टू साइड्स ए सी और बी सी को प्रोपोर्शनली, दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ठीक है जी, कट कर रही है मतलब। अब हमने यहाँ पे इसको रेशो की फॉर्म में लिख लिया कि हमारे पास सी ई, ये दिस वन इज सी ई और ए, पहले मैंने लॉन्ग साइड लिखी है, लॉन्गेस्ट फिर शॉर्ट साइड लिखी है। देखो यहाँ पे छोटी साइड को बाद में लिखा है, इतनी चीज़ और ये चीज़, इन दोनों का रेशो जो है वो इन दोनों रेशो के इक्वल है, यही मैंने आपको ऊपर बताया। तो आप यहाँ पे लिखोगे, लाइन सेगमेंट लिख लो, या सी ई डिवाइडेड बाय, या रेशो की फॉर्म में, क्यों आपको पता है इसको इस तरह लिखें, ये रेशो में लिखें एक ही बात होती है, फ्रैक्शन में लिखें तो ये ए ई के इक्वल आएगा, डिवाइड आ जाएगा इधर राइट साइड। क्लियर हो गया कि हमारे पास हमारा सी ई जो है उसका रेशो ए ई, ये इस तरफ का जो रेशो है वो इसके रेशो के इक्वल है। ऐसे ना, इस जब दो रेशो इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि तब कंपैरिजन कहते हैं, वही प्रोपोर्शन होता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड मैंने पहले लिए, देखें बच्चे, सी ई डिवाइडेड बाय ए ई, ये रेशो कह लो इसको, और दूसरी जगह मैंने कहा सी डी इज रेशो बी डी, मतलब लॉन्गेस्ट साइड पहले ली और शॉर्टेस्ट साइड मैंने छोटी वाली बाद में ली। देखो ये सी डी है और ये हमारे पास बी डी है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब गिवन क्या क्या, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर सी ई फाइंड करना है, बाकी सारी चीज़ें गिवन है। हमने वैल्यूज पुट कर दी, ए ई जो है वो 5 है, सी डी जो है वो 12 है, बी डी जो है वो 6 है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है।
जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, हमें यहाँ पर सी लाइन इसको फाइंड करना है, इसकी मेजरमेंट कितनी है, ये सी लाइन कितनी लाइन, लाइन सेगमेंट क्या है, जिसको फाइंड करना होता है कहता है अकेला छोड़ दो, यहाँ 5 डिवाइड में है, 12 के पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कटिंग हो रही है 6 1 6 6 2 12, तो 2 5 हो जाएगा 10, तो हमारे पास जो सी ई आया है ये आया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यहाँ पे इसको कर लीजिए नोट डाउन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करती हूँ ताकि इजीली आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, फिर हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, देखें ए बी सी एक ट्राइंगल गिवन है, आपको पूरा दिखा देते हैं ए बी सी। अब यहाँ पर कहता है कि ये जो पी क्यू है ये पैरेलल है इस बी सी के, दो पैरेलल लाइंस हैं कि ये वाला पी क्यू जो है वो पैरेलल है इस बी सी के। अब एक्स फाइंड करना है, हमें एक्स को फाइंड करना है कि एक्स क्या होगा। अब चीज़ क्या दी गई है, ए पी इतनी चीज़ जो है लाइन हमारे पास 5x-3 दिया गया है, और यहाँ पर जो ए क्यू है ये 2x+1 दिया गया है। ठीक है जी, और पी भी ये दिया गया है 2, और जबकि क्यू और सी ये दिया गया है 3 सेंटीमीटर, मैंने नहीं लिखा, अभी यहाँ लिख लीजिए सेंटीमीटर, नो इशू। ठीक है जी, सारी चीज़ें जो गिवन है वो मैंने सब लाइन से सेट कर दी। यहाँ पर जी ए बी जो है 5x-3 है, ए क्यू जो है वो हमारे 2x+1 है, जो पी बी है वो 2 सेंटीमीटर है, जो क्यू सी है वो 3 सेंटीमीटर है, सेम। अब हमें पता है कि हमारे पास जो हमारा पी क्यू है वो पैरेलल है इस बी सी के। अब यहाँ पर हमारे पास जो पी क्यू है वो कट कर रहा है कहाँ पर, हमारे पास पी क्यू कट कर रहा है 2 साइड्स ए सी एंड ए बी को प्रोपोर्शनली। इसी तरीके से इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के क्या आएगा, इक्वल आएगा, तो हम कहेंगे ए बी रेशो बी पी, और यहाँ पे ए क्यू रेशो क्यू सी। इसी तरीके से रेशो की फॉर्म में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिख लो। यहाँ मैंने सॉल्विंग की आपके सामने करती हूँ, ए बी मैं क्या बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए करके दिखाती हूँ। देखो ये है 5x-3 और पी बी ये कितना है 2 सेंटीमीटर, ए क्यू कितना है 2x+1 और क्यू सी कितना है 3। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 5x-3 और यहाँ 2 2x+1 मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट ओपन कर दो, 5 3 15x, 3 3 9, 2 2 4x और 2 1 2। अब एक वेरिएबल्स वाले एक तरफ कर लो, ये 15x, ये 4 यहाँ आके माइनस का 4x और ये वहाँ जाके पॉजिटिव का 9 9 2 11, 15 में से 4 माइनस किया 11x। एक्स कहेगा 11 को चलो भी मेरे पास से हट जाओ, यहाँ के डिवाइड में 11 7 11 कटा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। चलें जल्दी से ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। मेरे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉ पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली। नहीं समझ में आया, कहता है कि पहले तो ट्रेपेजियम बनाओ। देखो भाई क्या कहते हैं जनाब, सही से करके मैं आपको एक ट्रेपेजियम बना के दिखाऊं, पहले ऐसे इसको मैंने नाम दिया ए का, इसको मैंने नाम दिया बी का, इसको नाम मैंने दिया सी का, और इसको मैंने नाम दिया डी का। सिंपल कहता क्या है कि एक लाइन है जो हम ट्रेपेजियम में से ड्रॉ करें तो वो डिवाइड करेगी दूसरी नॉन पैरेलल लाइंस को प्रोपोर्शनली। ठीक है जी, कैसे करेगी, देखो एक लाइन, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ए बी हो गया और ये हो गया ई एफ। ठीक है, इनमें से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे करके, देखो ऐसे स्ट्रेट कर लीजिए, अगर कुछ स्ट्रेट आएगी ये पॉइंट आपके पास क्या होगा, ओ इक्वली डिवाइड कर रही है ना, देखो ऐसे करके, तो ये दो ट्राइंगल बन जाएंगे आपके सामने। एक बन जाएगा आपके पास ये ए डी बी, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। देखो ऐसे बच्चे, एक ट्राइंगल आपके पास ये वाला हो जाएगा जो कि ए बी डी है, और दूसरा वाला ट्राइंगल आपके पास ये है जो कि डी बी और सी है। ठीक है जी, समझ में आया, अभी आपको दो ट्राइंगल आपके पास बन गए हैं। अब यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, तो आप यहाँ लिखिए जो आपके पास गिवन है वो है ट्राइंगल ए डी बी, एक ट्राइंगल है ए डी बी एंड इन ट्राइंगल डी बी और सी, ट्राइंगल डी बी सी। इसलिए बेटा मैं सारा लिख लेती हूँ पहले आपको, ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन, थोड़ा वीडियो मेरी लेंथी ना लेके, लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट आती है समय से समझ में नहीं आता, फिर कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को इस तरह समझा ही दूँ। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, दो ट्राइंगल की बात हो रही है, और हमें एक और चीज़ भी हमें गिवन है कि जो ई एफ है वो पैरेलल है ए बी के,
हमारे पास ये जो ई एफ लाइन है ये पैरेलल लाइन है ए बी की। देखो तो पैरेलल लाइन है ना, आपस में किसी भी एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रही, दोनों लाइंस क्या हैं आपस में हमारी पैरेलल हैं। मतलब ये कि हमारे पास जो दो नॉन पैरेलल लाइंस हैं उनके दरमियान जो हमारे पास प्रोपोर्शन है बन रहा है, हमें उसको फाइंड करना है। ठीक है जी, तो इनका रेशो जो है इनके रेशो के बराबर होगा, वो आपको मैं आपको बताती हूँ। अभी फिलहाल हमें इतना पता है कि हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए हैं, कि हमारे पास ये जो ए डी ई और डी ई सी, इसको अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं, इस तरह एक साथ भी करके बता सकते हैं, मेंशन कर दीजिएगा कि ई एफ जो हमारे पास इतनी चीज़ है ये पैरेलल है ए बी के, क्योंकि दोनों लाइन आपस में किसी जगह पर भी मीट नहीं करेंगी, दोनों लाइन्स आपस में क्या हैं पैरेलल है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है कुछ, हम जाहिर सी बात है हम जो चीज़ अपनी तरफ से उसमें ऐड करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। उसकी हेडिंग डाली आपने, हम क्या करा, हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर, एक किया है ई एफ आपके सामने, ये ई एफ हमने ये खुद ड्रॉ किया है अपनी मर्जी से, सही से करके लिख लीजिए इसको, ई एफ ड्रॉ किया हमने, कहा कि ये पैरेलल है डी सी के और पैरेलल है ए बी के। ये वाला जो ई एफ है ये डी सी के भी पैरेलल है और ए बी के भी पैरेलल है, तीनों आपस में पैरेलल है ना भाई। ठीक है जी, और ज्वाइन कर दिया है हमने ओ को बी के साथ, यही हमने किया साथ। एक चीज़ हमने और किया कि हमने ज्वाइन किया डी को बी के साथ, सॉरी डी को बी के साथ एट पॉइंट, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट ये वाला ओ है। ठीक है जी, डी को ये डी ऐसे करके बना है, ओ लग रहा है, डी को बी के साथ हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है। सिर्फ हमने यहाँ पे अभी तक फ़िलहाल ये किया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, प्रूफ हमें यह करना है कि एक साइड के जो इन दोनों के जो रेशो हैं सामने वाले अपोजिट साइड के रेशो के क्या होंगे, पैरेलल साइड पर जो हमारे पास जो रेशो हैं उसके नॉन पैरेलल लाइंस को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। मतलब इस इन लाइन का जो रेशो है दूसरी के बराबर होगा, क्या सेम एज इट इज़ फर्स्ट वाला ही आप अप्लाई करोगे रूल, जैसे फर्स्ट में किया हमने कि जो डी ई है इनका जो रेशो है ओ बी, देखो एक ट्राइंगल पहले ही वाला ले लो, ये जो डी ई है हम इसकी बात कर रहे हैं, डी और ई और ए ई, देखो ऐसे, अभी हम फिलहाल इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जो ए डी और बी है। किसकी बात कर रही हूँ, ए डी और बी, इनके अंदर आपको नज़र आ रहा है, देखो अलग करके बनाकर दिखा दूँ ऐसे, ये ए है ये डी है और ये बी है, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। और यहाँ पे क्या पॉइंट बन रहा है, ओ, और यहाँ पे है ई, जो इस तरह करके डिवाइड करके लाइन जा रही थी आगे, इतने ट्राइंगल को मैंने अलग कर दिया। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये वाला जो ए डी है इतना हिस्सा डी ई, इस किसके इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, ए ई के, मैंने ओ ए लिख दिया ए ई, इनका रेशो जो है इनके रेशो के इक्वल होगा। यही पढ़ा था ना हमने, एक साइड का रेशो जो है दूसरे साइड के रेशो के बराबर होगा, और दो रेशो के दरमियान जो कंपेरिजन होता है वही प्रोपोर्शन होता है, ये चीज़ पढ़ते हुए आए अभी हम। तो ये इतनी चीज़, ये डी ई जो है ये का रेशो ए ई किसके बराबर होगा, इस वाले ओ डी और ओ बी के। तो आप यहाँ पर लिखोगे डी ओ या ओ डी, आपकी मर्जी जैसे आप लिखना चाहते हो, ओ डी या डी ओ लिख ले कोई इशू नहीं, चले डी ओ लिख ले क्योंकि डी पहले है, डी ओ और यहाँ पे ओ बी ऐसे कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप एक काम करो टू प्रूफ करके स्टेटमेंट और सामने बराबर में लाइन रख रीजन करके भी कर सकते हो कि आप ये प्रूफ प्रूफ लिखें और आगे यहाँ पे प्रूफ का हेडिंग डालें यहाँ पे, और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखें पहले, जिस तरीके से आप थ्योरम बनाते हो और फिर आप यहाँ पे इसका रीज़न देते हो, ऐसे देते हो ना रीज़न, सेम एज इट इज़ आपने इसी तरह रीज़न देना है, हमने इसको प्रूफ करना है सेम एज इट इज़, यहाँ पे आप लिख लो इस तरह हेडिंग डाल के, कोई इशू नहीं है। देखो इसलिए मैं प्रेजेंटेशन से पहले बना देती हूँ ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले देखो, पहला वाला डी ई इक्वल है रेशो ए ई, इनका जो रेशो है वो इन दोनों के रेशो के क्या होगा, इक्वल होगा। सिंपल, ये चीज़ हमें कैसे पता है, यहाँ पे आप लिखो इसके बराबर में रीज़न दो कि जो ई ओ है इन दोनों में ये आपके पास क्या है, पैरेलल है ए बी के, ऐसे ही है। ठीक है जी, इन ट्राइंगल, आगे पूरा लिखना चाहते हो तो लिख लो, कौन सा ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल की बात की है अब हमने, ए डी और बी, इसी ट्राइंगल की बात की है ना हमने, देखो ए डी और बी, इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास ये डी ई और ए ई का रेशो ओ डी
और ओ बी रेशो के क्या है, इक्वल है। ऐसे ही है, ये हमने यहाँ पे सामने बराबर में इसके रीज़न दे दिया। नंबर वन लिख लीजिए पॉइंट। नंबर टू में हमें एक चीज़ और पता है कि यहाँ पर सेकंड, इसको आप इक्वेशन नंबर वन भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं, आप इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दें ऐसे करके। अब आगे हमें पता है, तो अगर हम दूसरे वाले ट्राइंगल की बात करें, दूसरा वाला ट्राइंगल अगर आप उठा लेते हो, उसमें हमें क्या पता है, हमें ये चीज़ मालूम है कि ओ डी और ओ बी, देखो ऐसे ओ डी और ओ बी। अब हम इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, पहले हम इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे थे, अब हम इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं कि इसमें ओ डी और ओ बी किसके इक्वल है, सी एफ और सी बी के। ऐसे ही ना, जैसे ये वाला ट्राइंगल था सेम ऐसे, वाला ट्राइंगल कॉपी कर दो, देखो ऐसे करके ऐसे ही था। ये वाली पॉइंट डी है, ये वाला पॉइंट आपके पास बी है, इनके दरमियान ये ओ है, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला एफ है। तो यहाँ पे ये ओ डी और रेशो ओ बी किसके रेशो के इक्वल होगा, सी बी और एफ बी के, इनका इस तरफ का रेशो उस तरफ के रेशो के इक्वल होगा, जैसे कि फर्स्ट में हुआ। सेम एज इट इज़ सेकेंड वायर की टाइप, सेकेंड की आपके पास जो मौजूद है वो है एफ सी और एफ बी, लाइन एफ बी, ऐसे ही है ना, इतनी चीज़ और ये वाली चीज़। पहले हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, अब हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, तो आप यहाँ पर लिख लोगे बाय प्रोपोर्शनली थ्योरम, तो इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दो और लिखो बाय प्रोपोर्शनली। अब मैं नेक्स्ट वाला आपको ना पूरा लिख कर और फिर गाइड करूँगी, इस तरह मुश्किल हो जाती है। प्रोपोर्शन थ्योरम, ठीक है जी, इन ट्राइंगल डी बी सी। अब हमने डी बी सी ट्राइंगल की बात की है, ठीक है जी, ये चीज़ हमें यहाँ से प्रूफ हुई। अब हम क्या करें, अगर यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन और टू को यहाँ पे कंपेयर कर लें, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, इन दोनों चीज़ों में ये चीज़ इक्वल है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डी ई जब बराबर है डी ओ के, इतनी चीज़ लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, और यहाँ पे सेम एज इट इज़ ये ओ डी और ओ बी आ रहा है इसके इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ऐसे देखो कि ये डी ई रेशो ए ई जो है वो किसके बराबर है, एफ सी और एफ बी के, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर प्रूव हो गया। बी एफ लिख लो, ये एफ बी लिख लो, सी एफ लिख लो, ये एफ सी लिख लो, कोई इशू नहीं है, ई डी लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट में इसका आप रीज़न दोगे, इसके सामने ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था, ये थर्ड पॉइंट है, कि नंबर नंबर होते हैं इन सब चीज़ों के, ठीक है। एंड प्रूफ दैट, चलो जी इसको यहाँ से कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम करते हैं इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर फोर। बहुत आसान है, अगर आप उसको समझ समझ के करेंगे ना बेटा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बात है, जो हमने एक लाइन ट्रेपेजियम में जो हमने ड्रॉ की है वो डिवाइड कर देगी दूसरी साइड के नॉन पैरेलल लाइंस को प्रोपोर्शनली, ठीक है जी। सिर्फ इसमें इतना बताना था हमें, नोट करें, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, प्रूफ दैट द लाइन सेगमेंट ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखो भाई, एक हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसको नाम दिया हमने ए का, इसको मैंने नाम दे दिया बी का, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, सी का, समझ के करोगे ना इंशाल्लाह समझ में आएगा सी का। अब मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी एक साइड से मैं एक मिड पॉइंट जो है उसको कंसिडर कर रही हूँ, कि इसके दरमियान एक मिड पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे, किसी भी एक साइड को कर लो, इसको डी कह दो और इसको ई कह दो। मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल ए बी सी, इसकी एक साइड्स को जो है मैंने मिड पॉइंट को कंसिडर कर लिया और इसको मैंने नाम दे दिया, किसका, डी का नाम देता है, मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ फिलहाल, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको नाम दे दिया मिड पॉइंट को, डी का नाम दे दिया। अब हमें मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो दूसरी तरफ जो है कि साइड के पैरेलल होगा, ये लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ कर दिया जो दूसरी साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा, मतलब हमारे पास जो हमारा डी ई है वो पैरेलल होगा ए बी के, ठीक है जी। अब आगे क्या कहते हैं, जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है जो दूसरी तरफ बाइसेक्ट करेगी सी ई और हमारे पास बी ई को आपस में, तो हमें भी बताना है कि दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है जी। अब किस तरीके से करेंगे, हमें ट्राइंगल पता है कि जी ए बी सी है, डी को हमने मिड पॉइंट माना, ए सी लाइन एंड ए बी ए पैरेलल टू डी ई, पैरेलल टू डी ई, क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ हमारे पास गिवन है जिसमें डी को मैंने क्या किया, मिड पॉइंट माना, और हमारे पास ये ए सी एक लाइन है, इसमें बी ए जो है वो पैरेलल है किसके,
डी और ई के ये दोनों आपस में लाइन क्या है, पैरेलल हैं। अब हमारे पास ये जो ए डी है ना, ये इक्वल किसके है, सी डी के, क्योंकि मिड पॉइंट हम इसको कंसिडर कर रहे हैं ना। तो हम अब इसकी बात करेंगे, ये जो ए डी है यहाँ पर हमारे पास, ये ए सी के क्या है, इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है इसके बराबर में सामने जो हमारे पास जो पैरेलल लाइन है दूसरी तरफ, जो हमने मतलब पैरेलल लाइन ड्रॉ की है जो दूसरी तरफ बाइसेक्ट कर रही है ई सी और बी ई, ये क्या है, आपस में इक्वल है। तो हमने यही यहाँ पर लिखा कि सी ई जो है वो इक्वल है बी ई के, और डी ई जो है वो पैरेलल है ए बी के। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट अब यहाँ पे आ जाए, स्टेटमेंट एंड रीज़न। अब हमें मालूम है कि ए डी रेशो सी डी बराबर किसके है, सी ई रेशो बी ई के। देखो ए डी और सी ई इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के इक्वल है, ये हमारे पास गिवन भी है और प्रोपोर्शनल थ्योरम यहाँ पर लग रहा है। हमें एक और चीज़ पता है कि ए बी जो है वो डी ई का क्या है, हमारे पास एक पैरेलल है ना, डी ई जो है वो पैरेलल है ए बी के। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, डी ई जो है वो पैरेलल है ए बी के, तो हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया यहाँ। नेक्स्ट लाइन देखो हमारे पास कि हमें मालूम है कि जो ए डी है ये बराबर है सी डी के, हमें पता चला कहाँ से, इक्वेशन नंबर वन से। तो अगर मैं इस ए डी की जगह पर सी डी लिख दूँ, यहाँ पर आगे देखो सी डी डिवाइडेड बाय सी डी हो जाएगा, सिर्फ मैंने इस ए डी की जगह सी डी लिखा क्योंकि मुझे पता है इक्वेशन नंबर वन से पता चला इतनी चीज़ जो है ये इक्वल है आपस में। ये हो जाएगा मेरे पास सी ई ऊपर और डिवाइडेड बाय बी ई, ये से कटा बचा वन सी ई डिवाइडेड बाय बी ई, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमें प्रूफ हो गया कि बी ई जो है वो बराबर है सी ई के, प्रूव्ड दैट कि बी ई जो है, देखो इतना बी ई बराबर है हमारे पास सी ई के, इतनी चीज़ जो है इतनी चीज़ के इक्वल है। एक ही चीज़ घुमा फिरा के बार बार पूछ रहे हैं, बस इस तरीके से आपने तीन चार पॉइंट में रीज़न के साथ स्टेटमेंट देना होता है बस, और इन सवालों में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है मेरा बच्चा। ठीक है, आप इसको यहाँ से इसका स्क्रीन शॉट ले लें, थोड़ी देर स्टॉप करती हूँ, फिर इसका लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव करके वाइंड अप करते हैं। बस हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है, प्रूव दैट द लाइन विच डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम प्रोपोर्शनली इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, सेम वही क्वेश्चन नंबर टू थ्री की तरह होगा। एक ट्रेपेजियम है, इसके अंदर से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, ये ई पॉइंट या वी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, और एम एंड एल, देखो यहाँ पे हमने क्या कहना है, ट्रेपेजियम ए बी सी डी द लाइन एल जो डिवाइड कर रही है ए डी को एंड बी सी को किस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर और एफ पॉइंट पर रिस्पेक्टिवली, यही मैंने पूरी चीज़ यहाँ पर लिख दी। देखो इन अ ट्रेपेजियम ए बी सी द लाइन एल, ये वाली लाइन एल जो है वो डिवाइड कर रही है ए डी और बी सी को एट पॉइंट ई एंड एफ पर रिस्पेक्टिवली। हमें पता है कि इतना ए ई बराबर है ए डी के, वही वाली कहानी है, दो रेशो इनके आपस में क्या होंगे, बराबर प्रोपोर्शनली बराबर होंगे। देखो बी ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एफ और सी एफ, देखो ये बी एफ और ये सी एफ आपस में इनके रेशो के अकॉर्डिंग ले लिया हमने। टू प्रूव दैट हमें ये साबित करना है कि जो ये एल है ना, ये वाली लाइन, ये पैरेलल है किसके, ए बी के, और यहाँ पे यही वाला एल जो है ये पैरेलल है इस डी सी के, ए बी के भी पैरेलल है ये और इस डी सी के भी ये लाइन जो है पैरेलल है, सेम एज इट इज़, एक ही बात है बेटा, सिंपल से आपको नज़र आ रहा है ये ए बी लाइन ई एफ के पैरेलल है, ई एफ जो है और डी सी के तीनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है, सेम एज इट इज़, क्वेश्चन नंबर जो मैंने थ्री थ्योरम करवाया वैसा ही है। तो स्टेटमेंट बहुत छोटी सी होगी, आप कहोगे कि ए ई जो है वो रेशो डिवाइडेड बाय ये रेशो ई डी और इज इक्वल्स टू, इक्वल है किसके, सेकंड वाले रेशो के, कैसे के, बी एफ और सी एफ जो मैं स्टार्टिंग से बताती हुई आ रही हूँ गिवन है। इसी तरह हमें मालूम है कि जो एल हो गया पैरेलल हो जाएगा ए बी के, जाहिर सी बात है ये वाली लाइन जो है जो हमारे अपने ड्रॉ किया इसको एल का नाम दिया है, ये पैरेलल किसके है हमारे पास ए बी के, और इसी तरीके से ये लाइन इसके पैर और डी सी के भी पैरेलल होगी, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के। चले छोटा सा एक थ्योरम था ये, सोचा इसको भी करवा दूँ। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 24.2 के साथ, जब तक के लिए लाभ।